आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीए तेजस के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि एलसीए तेजस और मलेशिया के बीच में चल क्या रहा है। अगर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनको 18 फाइटर जेट की आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट आगे चलकर बढ़कर 36 एयरक्राफ्ट की हो सकती है। कल ट्विटर पर एक बस क्रिएट हुई थी कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का FA-50 मलेशिया की तरफ से सेलेक्ट कर लिया गया है और अब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज मलेशिया को 18 ऐसे एयरक्राफ्ट सप्लाई करेगी। इस बस के पीछे जो सोर्स था वो एक इंडोनेशियन वेबसाइट थी और इस वेबसाइट की तरफ से कहा गया था कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को मलेशिया की तरफ से सेलेक्ट कर लिया गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए। हालांकि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली गई और फाइनली KAI की तरफ से ही ये चीज कंफर्म कर दी गई थी कि उनको इस रिक्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया है। इनफैक्ट इस कॉम्पिटिशन का अभी तक कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया है और ये जो इंडोनेशियन वेबसाइट थी मोस्ट लाइकली ये लोग कंफ्यूज हो गए थे पुराने अपडेट्स के चलते। देखिए, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने एक ग्लोबल टेंडर रिलीज किया था और इस ग्लोबल टेंडर को 5 कंपनीज की तरफ से रेस्पॉन्ड किया गया था। ये फाइटर जेट्स थे इटालियन कंपनी लियोनार्डो की तरफ से M346 FA फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का FA-50, रशियन कंपनी याकोलेव का YAK-130, चाइनीज JF-17 थंडर और भारतीय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की तरफ से इन पांचों ऑफर्स को इवैल्यूएट किया गया था और इवैल्यूएशन के बाद में JF-17 थंडर, LCA तेजस और T-50 को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आप सभी को बीच बीच में ये न्यूज़ मिलती रही होगी कि JF-17 थंडर को सेलेक्ट कर लिया गया है, T-50 को सेलेक्ट कर लिया गया है। इन न्यूज़ के पीछे जो सोर्स है वो बेसिकली सेम है और वो है कन्फ्यूजन। हर बार ये न्यूज़ जब आती है तो उसके पीछे कारण होता है कि 5 में से जो 3 वेंडर को शॉर्टलिस्ट किया गया था उसको फाइनल सिलेक्शन मान लिया जाता है और कई बार जानबूझकर और कई बार गलती के साथ में इस तरीके के आर्टिकल लिख दिए जाते हैं। इनफैक्ट टर्किश हुरजेट को लेकर बीच में कई आर्टिकल्स निकल कर आए थे और ये सिस्टम अभी तक बनकर तैयार भी नहीं हुआ है। एक बार के लिए LCA तेजस, T-50 या JF-17 थंडर को लेकर ऐसे आर्टिकल समझे जा सकते हैं, लेकिन हुरजेट अभी तक पेपर पर है उसको लेकर आर्टिकल कर दिए गए हैं। जो लोग इस तरीके के आर्टिकल लिखते हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हुरजेट को इनिशियल RFP नहीं मिला था और वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट थियोरिटिकली कर ही नहीं सकता अनटिल अनलेस टर्किश गवर्नमेंट और मलेशियन गवर्नमेंट के बीच में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील साइन हो जाए। एनीवेज, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के लिए जो 3 फाइटर जेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं यानी कि LCA तेजस, JF-17 थंडर और FA-50, इन तीनों में से ही एक एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया जाएगा। और रही बात रिक्वायरमेंट की तो मलेशियन रिक्वायरमेंट को ये तीनों सिस्टम मीट करते हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल एंगल से चाइनीज JF-17 थंडर के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि एक्चुअली मलेशिया को ये फाइटर जेट चाइनीज वेसल्स पर ही यूज करना है एटलीस्ट डिटेरेंस के लिए। और उस हिसाब से जो 2 बचे हुए फाइटर्स हैं वो साउथ कोरियन FA-50 और LCA तेजस हैं और काफी हद तक ये दोनों एयरक्राफ्ट सिमिलर इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो इंजन हो या रेडार। जी हाँ, FA-50 में भी ELM-2032 रेडार का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर इन दोनों ही एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 इंजन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोनों ही एयरक्राफ्ट काफी केपेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं तो LCA तेजस के साथ में मलेशिया को और भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडर रेडार्स और आने वाले अस्त्रा Mk-2 और Mk-3। थियोरेटिकली LCA तेजस एक इम्प्रूविंग प्लेटफॉर्म है और समय के साथ साथ ये और बेहतर होता चला जाएगा, उस हिसाब से मलेशिया के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल काफी ज्यादा इंटेंस होगा और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का यहाँ पर एक बड़ा रोल होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।